दिन तक कृषि की रेट का इस तरह से ये रेट जो है चली है 48% लगातार आपकी दर पर। तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, और जैसे आपने कल भी पूरा सहयोग दिया, क्योंकि मेरा पूरा परिवार नज़रबंद था, हमें वो बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो आपने फिर भी हमारी बात को उठाया पूरे देश और प्रदेश में, आपका धन्यवाद करता हूँ। जो ईडी की रेड है, पहले तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज के अखबारों में ये लगी कि दूसरी रेड हुई है, मेरे घर पे पहले कोई रेड हुई नहीं, आज पहली रेड है। पहले जब 31 मई 2023 को मैंने पार्टी ना जब वीआरएस ली और 31 जुलाई 2023 को जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, तो एक महीने बाद मुझे नोटिस मिला था ईडी का, उसका मैंने जवाब दे दिया था। परंतु आज जो अखबारों में छपा है कि खनन ठेकेदार, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरी कोई इस प्रकार की फर्म नहीं है, ना मेरा खनन से कोई संबंध है। मैं क्रेशर एसोसिएशन का, मजदूर एसोसिएशन का प्रधान हूं, उनके लिए मैंने काम किया है। और जो आज के तमाम अखबारों में लिखा गया था कि वेदपाल कंवर का खासम खास, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, उसकी जो फर्म है बाबा समाज, उससे मेरा कोई आज तक एक पैसे का लेन देन नहीं है। इस प्रकार की जो मैं आपको कन्फर्म कराना चाहता हूँ कि पहली रेड थी, इन खनन कारोबारियों के जिनके ईडी के रेड हुई, इनसे मेरा कोई संबंध या एक रुपए का लेन देन भी नहीं है। ये पूरी आज जांच चली है, उन्होंने 24 घंटे में हर अकाउंट को दिखाया है, कोशिश की है, उनके सारे अकाउंट जिस महिंद्रा के मालिक संजय गुप्ता के रेड हुई उससे भी बारे में पूछा है मेरा उनसे, उन्हें सर्च भी किया, कोई किसी से एक पैसे का लेन देन नहीं है। ईडी का अधिकतर कारण तो ये है कि पीछे जब आपने देखा कर्नाटक में चुनाव होना था, 37 जो कांग्रेस के नेता थे उनके घर आई थी, आज भी दबादब ईडी कोशिश की, लगभग कोशिश ये है कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये केस बनाए जा रहे हैं, किसी भी बीजेपी के घर नेता के घर ईडी जा नहीं रही। और मेरे जो इन्होंने जो सख्त आने का कारण ये था कि वेदपाल से जुड़ा हुआ आदमी है, वेदपाल ईडी के द्वारा अंदर बंद है, मेरा उससे एक रुपए का लेन देन, इन्होंने पूरे सर्च किया है, खंगाला है, एक रुपए का कभी भी लेन देन नहीं हुआ, ना उसकी फर्म का कहीं हम पार्टनर हैं, उसकी फर्म अलग है, मेरा किसी भी कोई भी मेरी फर्म नहीं है, ना मेरा कोई किसी से ताल्लुकात है, मेरी मिसिज भी जिस फर्म में पार्टनर है वो फर्म भी अलग है। तो हाँ, जो अधिकारी थे वो मुझे ये पंचनामा दे के गए हैं, जब वो सर्च करते हैं तो क्या मिला, क्या लेकर के गए, क्या दिया, उसमें अधिकारियों की भी साइन है, गवाह की भी साइन है और हमारे भी साइन है, तो इसमें तमाम मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ, ये जो आप पढ़ ले हुए थे इसमें मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा सारा। हाँ, ये इसमें पूरा है, जो सेल डीड इसमें है, ये सेल डीड जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो जो आप ये लोकल भाषण का और रजिस्ट्री उनकी कॉपी लेके गए हैं, ये मेरी नौ प्रॉपर्टियां हैं उनकी कॉपी लेके गए हैं, एक मेरा पोलो होटल पंचकुला, उसमें जो मेरा एग्रीमेंट है, मैं उसमें पार्टनर हूँ, MOU है उसकी, जो मेरी MOU की कॉपी लेके गई है, इसमें सारा डिटेल से लिखा है। फिर मेरी मिसिज का, मेरी मैडम रविता का मोबाइल और मेरा मोबाइल लेके गए, मेरी है, मेरी मैडम की कोई ईमेल आईडी नहीं है, परंतु हमने उसमें कोई भी कोई प्रयोग किया नहीं, मैं ईमेल को यूज करता नहीं, वो भी उन्होंने सर्च की उसमें कुछ नहीं, वो लिख के गए। बैंक अकाउंट की जितनी कॉपी थी उनके बैंक अकाउंट के नंबर लिए, जब कुछ भी नहीं मिला तो जितनी ये सारी बैंकों की पासबुक इनके नंबर लिख के ले गए हैं, और कोई भी कोई कैश, कोई सोना या कोई इस प्रकार की कोई चीज प्राप्त नहीं हुई, ये सारा आप देख सको, पढ़ सको। मेरी पत्नी के नाम जो गोवर्धन माइन फर्म है उसमें मेरी पत्नी पार्टनर है, उसमें वेदपाल कहीं पार्टनर नहीं,
उसमें वेदपाल तंवर कहीं हिस्सेदार नहीं। उस फर्म का जो कारोबार है, खनन का कारोबार है, उसमें मेरी मिसिज का है जो कारोबार है, उसमें कारोबार हुआ था, वो हमने सब रिटर्न किया है, मैडम ने जो टैक्स है वो भरा है हमने। उसका टर्नओवर तो वो कंपनी बीच में बंद होगी, टर्नओवर था उसका सैकड़ों करोड़ का, तो टर्नओवर था ही उसमें, तो वो जो भी हुआ है वो रिटर्न फाइल किया और उसका टैक्स भरा है। हाँ जी, तो मेरा जो आपका मीडिया लिख रहा है मास्टर सतवीर रतेरा खनन कारोबारी, तो रविता रतेरा को खनन कारोबारी लिखे जाना चाहिए। पैटर्न तो है, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरा कोई अकाउंट में एक पैसा आज तक खनन से नहीं आया, मेरी पेंशन या जो मेरा पैसा है जो मैं रिटायर हूँ वो है, मेरी कोई फर्म नहीं है, मैंने कोई आज तक कोई, मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। और एक चीज कैसी हुई, एक तो मास्टर मैं हूँ, तो जो टीचर लगे उसी को टीचर बोलेंगे, जो दसवीं पास है उसकी मिसिज उसने भी टीचर बोलेंगे क्या? टीचर तो उसने बोलेंगे जो मास्टर लाग रहा है, जो मास्टर नहीं लाए उन्हें टीचर थोड़ी बोलेंगे, उसने तो मास्टर नहीं कह सके। हाँ जी, पैसा जब मेरी पत्नी तो घर में आओगे, उसके अकाउंट में आओगे, मना कब करे हमें? मैंने मेरा कहा है भाई, मेरा जो क्वेश्चन था आपकी प्रेस मीडिया में जो आज पूरा छपा है, मैं तो मेरी सफाई दे रहा हूँ, मेरा खनन कारोबार से कोई संबंध नहीं है, मैं क्रेशर एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ, ठीक है, मेरे मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरे अकाउंट में एक रुपया कहीं से भी लेन देन नहीं हुआ। ये रेड मेरे ऊपर थी और साथ में मेरी पत्नी से पूछताछ की, बाकी लगभग पूछताछ मेरे से की। क्या पूछताछ उन लोगों ने की? बस वो ये किसी भी से उससे क्या वो है, बाकी पॉलिटिकली ये है कि मैं कांग्रेस में हूँ और दबाव बनाया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया, ये बीजेपी का षड्यंत्र है कि तरह तरह के हथकंडे अपना करके दबाया जाए किसी तरह, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम हल्का बुआनी खेड़ा की लड़ाई लड़ने वाले हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि अच्छी मेहनत करके हम आगे हैं, टिकट मिल जाएगी, चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरीके से दबाव बीजेपी हर जगह ऐसा कर रही, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा, ताकि लोगों को तोड़ा जाए दबा जाए, पर जनता मेरे साथ है। तो क्या आप इस दबाव में आएंगे, पार्टी बदल सकते हैं? ना मैं आता तो आ जाता, लोगों को तो ईडी का दुकान में चले जाओ उसी समय पटका भर ले, मैं तो बीजेपी में चले, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, किसी भी दबाव में नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाए कोई भी कुर्बानी देने की। अच्छा, कांग्रेस में तो एक ही गुट है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, प्रदेश प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी हैं, उन नेताओं के साथ हूँ मैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने रात मेरे से फोन से बात की थी और किसे, मेरे फोन तो उन्होंने ले रखे थे, परंतु ये कहा डरने की और झुकने की कोई आप चिंता ना करो, ना डरना है ना झुकना है, जब कोई गलत काम नहीं किया है तो पार्टी आपके साथ है, हर समय आपके साथ खड़ी रहेगी। चुनाव के समय अचानक रेड होती है, पहले भी हो सकती थी, ये सिर्फ राजनीतिक कारण है, सिर्फ दबाने का कारण है, और अब एक साल पहले कर लेते रहे, कौन रोक रहे? कोई दबाव भी बनाया उन लोगों ने आपसे? हाँ, तरह तरह का बिल्कुल दबाव बना, मेरे माँ बाप बुढ़े, मेरी माँ 80 साल की है, मेरे पिताजी 84 साल के हैं, उनको भी तरह तरह से कहा आप ये कहाँ चलेगा, बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी, राज बीजेपी का है, तो तरह तरह से उन्होंने कोशिश की है, मेरे ऊपर भी भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत दबाव बनाया, पूरा डराया धमका है, सब बंधक बना के रखे है, कहीं बोलने नहीं दिया, आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, कहीं फोन नहीं करने दिया, तो और किसी भी पूरे परिवार को अंदर रखे हमने। पॉलिटिकल रणनीति जनता का पूरा समर्थन है, पूरी सहानुभूति है, जनता के बीच जाएंगे, बात उठाएंगे कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और बहुत ज्यादती की जा रही बीजेपी के द्वारा इस प्रकार की घटना करके, दी है कोई इस प्रकार का कोई आगे का उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो सिर्फ सर्च वारंट था, उन्होंने सर्च किया है और उसकी हमें एक कॉपी जो सर्च हुआ देखी गई।
पहले भी आपकी धर्मपत्नी पर कोई मुकदमा दर्ज है? मेरी पत्नी पे और मेरे पे आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कोई मुकदमा दर्ज है तो फर्म के ऊपर दर्ज है, मेरी पत्नी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं। नाम है मेरी पत्नी जो गोवर्धन माई थी, इसमें और कौन कौन लोग शामिल? इसमें सुरेंद्र मलिक जी जो स्वर्गीय हैं चले गए, वजीर सिंह कुहाड़, महेंद्र सिंह राणा, सतपाल सिंह, अभिषेक अरोड़ा और रविता, ये पार्टनर हैं।